अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ डलगोना कॉफ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत सिंपल है इसको बनाना। इसके लिए हमने कॉफ़ी ली है, 2 टेबलस्पून कॉफ़ी हमने इस्तेमाल की है। आप अपनी पसंद की कोई सी भी कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट या स्ट्रॉन्ग आपके हिसाब से। शुगर लिए हैं हमने 3 टेबलस्पून और वाटर लिया है हमने 2 टेबलस्पून। वाटर जो है वो हमने थोड़ा सा वार्म लिया है ताकि कॉफ़ी और शुगर जो है वो अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो सके। अब एक सबसे पहले बाउल लूँगी, उसमें मैं कॉफ़ी ऐड करूँगी। यहीं पे हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब इन तीनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल यहाँ पे करूँगी क्योंकि उससे बहुत जल्दी हमारा काम हो जाता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप यहाँ पे हैंड विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हैंड विस्क से क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है, इसको हमें इतना बीट करना है कि ये अच्छा फ्रोथी हो जाए, तो वो काफ़ी टाइम ले लेगा। अब हम इसे बीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे मैंने इसको बीट किया और ये देखें, ये हमें इतना क्रीमी चाहिए जिस तरह से हमारी व्हिप क्रीम होती है, इस फॉर्म में हमें चाहिए ये। अब इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ग्लास लूँगी मैं, इसमें मैंने कुछ आइस क्यूब्स डाल दिए हैं। यहीं पे मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी। तकरीबन 3/4 कप के करीब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। अब इसके ऊपर हम वो कॉफ़ी ऐड करेंगे जो कि अभी हमने व्हिप की है। ये कॉफ़ी आपकी अपनी चॉइस है, आप कितनी ऐड करना चाहते हैं, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं, नॉर्मली इससे मैं 2 कप जो है वो कॉफ़ी रेडी कर लेती हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप जितना चाहते हैं उतना ऐड कर सकते हैं कॉफ़ी को। अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो ज़्यादा क्रीमी कॉफ़ी बनेगी। इस तरह से इसको स्प्रेड कर लें और सबसे ऊपर जो है वो मैं थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर स्प्रिंकल कर दूंगी। तो ये डलगोना कॉफ़ी जो है वो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अच्छा, आपको एक चीज़ यहाँ पे बताती जाऊँ कि अगर आपको इसको कोल्ड आपको नहीं पसंद है तो आप इसे हॉट फॉर्म में भी बना सकते हैं। जैसे मैंने मिल्क ऐड किया है कोल्ड, तो आप यहाँ पे गरम करके दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल गरम दूध एक ग्लास में डालें और उसके ऊपर से ये कॉफ़ी क्रीम ऐड करके, तो आप इसको कॉफ़ी पाउडर के साथ डस्ट करें और सर्व कर सकते हैं। दोनों फ्लेवर में ये बहुत मज़े की लगती है, चाहे आप हॉट बनाएं या कोल्ड बनाएं, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि अगर हम इसे कोल्ड फॉर्म में लेते हैं तो ये ज़्यादा मज़े की लगती है। आई होप आपने इस रेसिपी को पसंद किया होगा। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।